हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो हम लोग एक नए सॉफ्टवेयर मींस एडवांस स्टील, ऑटोडेस्क एडवांस स्टील सॉफ्टवेयर को सीखेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग करेंगे, मींस क्या क्या चीज़ें हो सकती है इसके अंदर। एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये उसका इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो एक एक करके पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में आपको पूरा का पूरा एडवांस स्टील सिखाया जाएगा। जिसके पास भी सॉफ्टवेयर नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो यहाँ पे व्हाट्सएप करिएगा तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडवांस स्टील सॉफ्टवेयर को, अगर आपको सीखना है, क्योंकि मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा जॉब है। तो अगर आप सीख लेते हो तो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट है स्टील स्ट्रक्चर में तो बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, मीन्स टेक्ला के बाद अगर कोई अच्छा सॉफ्टवेयर है डिटेलिंग का तो एडवांस स्टील है। तो दोस्तों, कैसे इस पर काम करते हैं सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग। सो इस पे काम करने के लिए सबसे पहले ग्रिड बनाना पड़ता है। सो हाउ टू क्रिएट द ग्रिड? सो फॉर क्रिएट द ग्रिड, यहाँ पे ऑप्शन होता है आपके पास बिल्डिंग ग्रिड, जस्ट क्लिक ऑन दिस बिल्डिंग ग्रिड। बट बिफोर दिस यू कैन जस्ट चेंज योर यूनिट। सो इट्स बेटर यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी यूनिट में चल रहा है। यूएन इंटर, जस्ट लाइक ऑटोकैड, ऑल शॉर्टकट की इज समथिंग लाइक ऑटोकैड। ठीक है, चलो मैंने आर्टिस्चर लेके इंचेस ले लिया, तो ये ऑटो कैड की तरह ही लेना है। सो अभी मुझे यूनिट पता है, सो मेरे लिए काम आसान हो गया है। अब यहाँ पे क्लिक करिए बिल्डिंग ग्रिड 0.0, देखिए ओरिजिन को आ गया ये। ओके, इसके बाद 60 फीट, 40 फीट, एंटर। और अब आप इसके पास जाइए, देखिए यहाँ पे आपके पास ग्रिड तैयार है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, राइट। ये आपका कितना हो गया 60, जो पहला डिस्टेंस डाला एक्स एक्सिस में, उसके बाद दूसरा किसमें 40। अब आपको यहाँ पे अगर ए बी सी आ जाए तो आपके लिए इजी हो जाएगा ना, तो आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, अभी क्या है हमारे पास नॉन इंडिंग पे, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंडिंग कर दिया। और यहाँ पे कर दिया हमने कैपिटल या स्मॉल, जो भी लेटर आपको पसंद है या जो आपको रखना चाहते हो आप, ठीक है, ऐसे रख सकते हो। और इस तरीके से करके हमने रख दिया। यहाँ पे देखिए आपके पास ये अलग अलग ग्रिड्स आ गई, मीन्स कितने ग्रिड्स हैं अभी आपके पास, टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स 1, 2, 3, 4। अगर आप चाहते हो कि इससे ज़्यादा हो जाए, आपको 5 to 6 चाहिए, मतलब कि ये टोटल कितना 60 था, तो अगर आपको इसको डिवाइड करना है और कम भागों में तो आप यहाँ पर डाल देंगे जितना, उतने पार्ट्स में वो आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस वाले एक्सेस पे, और यहाँ पे आपको जो रखना है, एंडिंग हमने रख दिया, और उसके बाद लेटर 1, 2, 3 रहने देते हैं तो बेटर होगा। सेम वैसे ही यहाँ पे डिस्प्ले ऐसे दिखेगा, और आपके पास ये सिंगल एक्सिस ऐसे दिखेगा, ग्रुप आपका ऐसे दिखेगा, 4 नंबर्स हैं टोटल इसके अंदर, और इस तरीके से हमने इसको क्लोज कर दिया। ओके, तो अभी हमारे पास ग्रिड तैयार हो गया। तो पहला काम हमने क्या किया, क्रिएट द ग्रिड। नेक्स्ट वर्क क्या होता है, आपको कोई फ्रेम लेके आना होता है यहाँ पे। तो फ्रेम ले आने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फ्रेम्स बने हुए, जैसे ये पर्लिन है, आपको पता होना चाहिए पर्लिन, मैंने स्टेट प्रो में आपको बताया था। ये जॉइस्ट है और ये आपका मोनो पिच है। मोनो पिच मीन्स वन साइड हाइटेड रहेगा, वन साइड सेट रहेगा, ठीक है। अभी करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। ये ब्रेसिंग्स है और ये आपका ट्रस मेंबर है। यहाँ से आप स्टेयर केस भी लगा सकते हो, ठीक है, स्टेयर डायरेक्ट स्ट्रेट स्टेयर लगा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपके पास नॉर्मल टूल्स होते हैं, नॉर्मल टूल्स इन द सेंस लाइन, पॉली लाइन, सर्कल्स, जो ड्रॉ के टूल बार्स होते हैं वो सारे टूल बार्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और ये होता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोजर, इस पे हम लोग इसका लेवल सेट करते हैं, आगे मैं आपको इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे हर टाइप के सेक्शंस रहते हैं, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, अभी देखिए ग्रिड के अलग अलग टाइप्स हैं। ये देखिए जैसे कि आपका नॉर्मल ग्रिड है, अभी हमने जो बनाया ये बिल्डिंग ग्रिड है। अगर ये बनाएंगे तो ग्रिड विथ ग्रुप बाय डिस्टेंस, मतलब एक का ग्रिड, एक का डिस्टेंस आज ज़्यादा दूर, एक का डिस्टेंस पहले, ऐसा करके आप ग्रिड ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका सिंगल लाइन होता है, मतलब कि एक लाइन में ही अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे कि कोई वॉल वगैरह, तो आप यहाँ ले सकते हैं। कोई सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाना है तो ये ले सकते हैं। ये सिम्बल्स लगाने के लिए होता है, और ये होता है ग्रिड इन वन लाइन, मतलब कि ग्रिड अ एक्सिस, इसमें 4-5 एक साथ काम कर सकते हो, जैसे रोड वगैरह का काम अच्छे से हो सकता है। तो दोस्तों अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको अभी भी मुझे मेंबर लेना है, सो आई जस्ट क्लिक ऑन
पोर्टल क्रैप। एंड हियर जस्ट क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट एंड देन क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट। जैसे ही सेकेंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जब मतलब जब डाउनलोड करते हैं तो सिर्फ 2.5 GB का होता है, मीन्स 2.5 GB का होता है, बट जब एक्सटेंड होता है तो लगभग 18 GB का हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर तो थोड़ा बड़ा है। अब जैसे इसने आपने जैसे यहाँ पर क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, अपने आप उसने फ्रेम ले लिया। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है ये, यहाँ पे अगर आपने गैवल फ्रेम कर दिया तो यहाँ पे लाइंस पड़ जाएंगी बीच में। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको गैवल्स पड़ जाएंगे अलग अलग, ठीक है। अगर आपको गैवल्स नहीं चाहिए तो आप पोर्टल फ्रेम कर दो, ठीक है। उसके बाद सेट आउट पे अगर आप आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्पैन ऑफ द फ्रेम, मीन्स ये कितना है। सो आपको ही पता है, ऐसे अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए वन, तो वन कहाँ पे है, ये है वन। टोटल हाइट मतलब टू नंबर फ्रॉम हियर टू हियर, थ्री नंबर इकेप्स लेवल्स, थ्री नंबर इज दिस वन, मीन्स आपके कॉलम का हाइट आपको क्या चाहिए। टाइप ऑफ एंगल मीन्स आपको जब रूफ ले रहे हो यहाँ पे तो कितने के एंगल पे ले रहे हो, रूफ स्लोप कितना ले रहे हो, 20 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, अभी बाय डिफॉल्ट 10 है तो ये आपके लिए अच्छा है। लेवल ऑफ बेस प्लेट, अब देखिए यहाँ पे पांच नंबर आपका ये है, अभी आपका ये जीरो पे है ना, जीरो एंगल जीरो पे ही आप ले रहे हैं तो आपका इस तरीके से प्रॉपर लग जाएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद आएंगे यहाँ पे सेक्शंस पे, तो जरूरी नहीं कि आप कॉलम का सेक्शन एक ही लें, बीम का सेक्शन भी एक ही लें, राफ्टर का सेक्शन नहीं। देखिए ये राफ्टर होता है, अगर यहाँ पे कोई मेंबर लगाया है तो उसको टाइस बोलते हैं, और ये आपका कॉलम है। तो अगर आपको चाहते हो यहाँ से चेंज करना, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखो इसका फ्रेम पतला हो गया, ठीक है। आप और कोई चेंज करना चाहते हैं, इस पर बहुत ढेर सारे मेम्बर्स हैं यहाँ पे, जैसे आपने मान लीजिए ये लिया, ये देखिए भी बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे देखिए अलग अलग जैसे रेक्टेंगुलर शेप लेना है केवल, ये देखेंगे आप यहाँ पे रेक्टेंगल में हो जाएगा ये। और उसके बाद यहीं पे क्लिक करेंगे, और अभी आपको स्क्वायर फिट शेप में चाहिए तो ये देखिए स्क्वायर शेप में सारे सेक्शन आ जाएंगे, ये देखिए। और उसके बाद आपको इस तरीके से सेक्शन चाहिए तो ये फिर से नॉर्मल सेक्शन आ गया, और उसके बाद अभी आपका पुराना फ्रेम आ गया जो आना था। सेम राफ्टर के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे राफ्टर है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसके बाहर भी कुछ प्रोजेक्शन निकले, इसके बाहर जो आपका प्रोजेक्शन आप निकालना चाहते हो, ठीक है, उस केस में आप दे दो यहाँ पे 2 फीट, 2 फीट। पोजिशन ऑफ द फ्रेम मतलब अभी देखिए फ्रेम आपके कहाँ पर लगे हुए हैं, सब मिडिल पे लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिडिल पे लगे हुए हैं प्रोजेक्शन ऑफ द फ्रेम। अगर आप चाहते हो कहीं और लगाने की, लाइक लेफ्ट राइट लगाना चाहते हो या टॉप बॉटम, तो कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा होगा कि इतने पे इसको डन कर दीजिए, ओके। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये ज्वाइंट करना है आपको, ठीक है। तो ये ज्वाइंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर हंजेस लगाना पड़ेगा, अपेक्स हंज बोलते हैं उसको। तो उसके लिए कनेक्शन होता है, तो यहाँ पे कनेक्शन वॉल्ट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप कनेक्शन वॉल्ट पे, तुरंत ये कनेक्शन का टैब खुल के आ जाएगा। इसमें देखिए ये बेस प्लेट है, अभी थोड़ी देर बाद मैं बेस प्लेट भी लगाने वाला हूँ। उससे पहले आपको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे अपेक्स हंज, और इसमें होता है एक वन साइडेड होता है और एक होता है टू साइडेड। अगर आपको टू साइडेड लगाना है तो आप टू साइडेड भी लगा सकते हो, अगर वन साइडेड लगाना है तो वन साइडेड। वन साइडेड कम सेफ्टी, डबल साइडेड ज़्यादा सेफ्टी रहता है। तो आप डबल साइडेड मान लीजिए मैंने लिया, फर्स्ट पे क्लिक करिए राइट क्लिक, सेकेंड पे क्लिक करिए राइट क्लिक, और उसके बाद थोड़ा सा वेट करिए, तुरंत आ जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर डबल एपेक्स लगा हुआ है, और इसका अपेक्स का जो तरह है ये है, ये D1 इसको ये सेक्शन है और D2 ये सेक्शन है, ओके। और इसके बाद इसके जनरल पे जाएंगे तो आपको इसकी थिकनेस, देखिए इसकी थिकनेस यहाँ पे दी हुई है थिकनेस, और ये थिकनेस यहाँ पे है, देख रहे हैं ये जो रेड लाइन है ये इसका ये है, ठीक है। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन गैप, ठीक है। गैप मीन्स ये देखिए दोनों के बीच में थोड़ी सी गैपिंग्स है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास प्रोजेक्शन है, टॉप से देखना चाहते हैं टॉप से देख लीजिए, बट अच्छा होगा कि ऐसे रहने देते हैं इसको। प्रोजेक्शन टॉप से ऐसा इसका जो है वो इतना साइज है, ठीक है। 4 नंबर मीन्स ये देखिए ये,
अगर आप इसको जीरो करना चाहते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको डायरेक्ट जीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नीचे भी आप जीरो करना चाहते हैं जीरो कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेवन नंबर मीन्स ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका, इधर अगर प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं दे दीजिए, नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। हंड बॉटम, लेकिन बॉटम की सारी सेटिंग्स यहाँ पे आपके सामने, थ्री नंबर टू नंबर जो भी आपके पास सेटिंग्स है सेटिंग कर दीजिए। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, एट नंबर फ्लेंज प्लेट बिल्ड। अब आपको पता होना चाहिए एक एट नंबर आपका ये फ्लेंज है, इसका आपको विड्थ इंक्रीज करना है क्या? अगर करना है तो हमारे पास डिटेलिंग ड्राइंग में अगर है तो हम इंक्रीज कर देंगे, नहीं है कोई बात नहीं। फ्लेंज विड्थ प्लेट थिकनेस, ठीक है, ये थिकनेस है आपकी देखिए। तो ये आप यहाँ से टॉप और उसके बाद हंजेस टॉप, इस तरीके से टॉप हंजेस को भी एडिट कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो यहाँ पे प्लेट लगा हुआ है प्लेट ग्रुप वन, ठीक है, अगर आपको ये प्लेट ऑलरेडी हमने लगा रखा है, अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ये तुरंत लग जाएगा, ठीक है। उसकी थिकनेस क्या रखेंगे, उसके बाद अगर आपको रेनफोर्सिंग प्लेट एक और लगाना है इधर की ओर, ठीक है, तो ग्रुप टू कर दीजिए। और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको यहाँ से जैसे ही क्लोज करेंगे ये तुरंत ये लग जाएगा इस तरीके से, क्लियर है। अब देखिए इसका ये खत्म, ऊपर का डिस्टेंस खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसको और इसको कनेक्ट करना, ठीक है, इसको और इसको कनेक्ट करना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए होता है नी, ठीक है, नी फ्रेम्स, तो इस पर क्लिक करिए, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करिए, राइट क्लिक, सेकेंड पॉइंट क्लिक करिए, राइट क्लिक। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है जब कोई भी क्लिक करेंगे, उसके बाद अगर आप बहुत जल्दी जल्दी काम करना चाहेंगे तो नहीं ऐसा रहता है, अगर आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन फास्ट है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी दोस्तों इसी तरीके की सेटिंग से हंजिस को देख के आपको जो हंजिस का थिकनेस दिया हो, जो उसकी हाइट दी हो, जो उसकी बेब्स दिया हो, ये देखिए बेब देखना है कोई दिक्कत नहीं, थ्री नंबर ये आपकी बेब्स हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है, अभी मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा बट अभी के लिए हम देख सकते हैं किस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद हम लोग वही सेटिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं, नी फर्स्ट पॉइंट राइट क्लिक, सेकेंड पॉइंट राइट क्लिक, यहाँ पे भी आपके लग गए हंजेस। और ये लगने के बाद सेम सेटिंग्स यहाँ पे भी रहती है इसकी सेटिंग करने के लिए, और इस तरीके से करके आप इसको कॉपी करके दूसरे फ्रेम में भी लेके जा सकते हो। दूसरे फ्रेम इन द सेंस अगर आपको उसको कॉपी करना है तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, और इसको कॉपी करने के लिए आपके पास यहाँ पे कॉपी कमांड होती है, ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये आपका ऑफसेट कमांड है, ये आपका मिरर कमांड है, ये आपका 3D मिरर है, एरे आपने ऑटोकैड में पढ़ा है, वही सारी कमांड्स आपके सामने मिल जाएंगी जिनको हम लोग आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको क्या ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जैसे ही आपके 50 लाइक्स आ जाएंगे, ओनली 50 लाइक्स आ जाएंगे, मैं तुरंत ही पार्ट टू लेके आ जाऊँगा आपके पास, जिसमें हम पूरा का पूरा पोर्टल फ्रेम बना के देखेंगे किस तरीके से बनाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।